बेस्ट फैकल्टी नो वन ऑफ देम जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं डॉक्टर प्रशांत डीमट सर, हम उनका स्वागत करते हैं सर, प्लीज वेलकम टू द शो। दोस्तों स्टैटिक्स या रिसर्च के एक ऐसे कहें कि जादूगर या हम कहें कि अपने सब्जेक्ट में इतने माहिर जिनके दौरान अगर सामने से स्टैटिक्स निकले तो वो बहुत ही आसानी से उसको ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसमें बता सकते हैं कि कहाँ हमें करेक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों आज हम सब लोग इसी मेडिकल रिसर्च एंड स्टैटिक्स की कड़ी में हम जानने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड प्रोबेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन, यानी जो लास्ट ईयर लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मींस मीन मीडियन मोड। इन मीन मीडियन मोड के अलावा भी कुछ और होता है क्या? That is the measures of dispersion. And what do you mean by probability? तो दोस्तों आज हम इन सबको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर प्रशांत डी मच सर का स्वागत करते हैं। सर प्लीज वेलकम टू दिस शो। एंड थैंक यू आज जिस तरीके से आपने हमें इतने बेहतरीन अपने सॉल्यूशन से अपने एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे तरीके से ये वर्डिंग क्लियर किए हुए हैं, उसी तरीके से हमारे आज भी इस सॉल्यूशन को आप क्लियर करते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। तो सर सबसे पहले इस शो को हम शुरू करें, इस आज की श्रृंखला को शुरू करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब हम लोग कैसे करते हैं, दैट मीन्स जो अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है ये क्या कहते हैं, यानी ये है क्या एक्चुअली? इसका सिर्फ हमने लोगों ने नाम सुना है लेकिन नाम के साथ ये एग्जैक्टली क्या है इसको प्लीज हमें थोड़ा सा आज बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रंजीत फॉर अ वेरी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली लास्ट वीक जो है हमने देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आज हम उसको कंटिन्यूएशन में देखने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और साथ ही साथ हम उसमें साथ देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है जो कि एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो सबसे पहले टू बिगिन विथ हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या ये किया था, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये देखा कि जब भी हम एक डाटा होता है जो कि एक स्कैटर्ड वे में होता है, बहुत बड़ा डाटा है, ह्यूज डाटा होता है, सो वी वांट टू कंडेंस इट इनटू द स्मॉलर एस्पेक्ट। तो हमें जब उसको स्मॉलर एस्पेक्ट में कंडेंस करना होता है तो व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें उसको एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम एक ऐसा वैल्यू उसमें फाइंड आउट करते हैं जो कि उसके पूरे जो भी जितने भी वैल्यूज हैं उनको एक सेंट्रलाइज कर सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे हमने देखा था जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमें बहुत बार ऐसा हो जाता है जो कि जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, हर एक के हमने मेरिट्स भी देखे, डीमेरिट्स भी देखे, लेकिन जब हमने उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे तो इसमें हमें पता चला कि सब एक में कहीं ना कहीं एक ना एक डीमेरिट जरूर है। तो इसमें इसको और आगे जाकर हमें ये भी देखना होगा कि ये जो डीमेरिट्स है इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सके। तो इसीलिए जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं कि जरूरी है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे सेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं और उनके 6 सब्जेक्ट्स में उनके स्कोर्ड मार्क्स हैं। तो जैसे ए स्टूडेंट है, सबसे पहला स्टूडेंट जो है उसके अगर हम देखेंगे कि 50-50-50, अगर हम मतलब ये मैं यहाँ पे बता दूं कि जो तीनों स्टूडेंट्स हैं उनका अगर हम मीन देखेंगे तो मीन इज 50। तो ये तो कैलकुलेट अगर हम कर भी लेंगे तब भी आएगा मीन कितना है, 50 है तीनों स्टूडेंट्स के। लेकिन जब हम देखेंगे कि मीन से कितना डिविएट हुआ है, तो स्टूडेंट ए का अगर हम देखेंगे तो मीन से कोई डिविएशन नहीं है, जितना मीन है सारे सब्जेक्ट में उसने उतने ही अकॉर्डिंग टू मीन उसने स्कोर किए हैं। लेकिन जो बी स्टूडेंट है, जो दूसरा स्टूडेंट है, वहां पे देखेंगे वेरिएशन कितना है, किसी में 49 है, किसी में 51 है, किसी में 48-52, मतलब सराउंडिंग टू द मीन है, मतलब मीन से बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हुआ है, मीन के आसपास ही है। जैसे मैंने लास्ट इसमें भी प्रेजेंटेशन में बताया था कि मीन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या डिमेरिट यह है कि वो जो एक्सट्रीम वैल्यू से भी अफेक्टेड होता है। तो अगर हम यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट की बात करें जो कि सी, यहाँ पे अगर देखेंगे कि कहीं उसने 80 स्कोर किया है, कहीं उसने 20 स्कोर किया है, कहीं किसी में 60 तो किसी में 70 या किसी में 40, तो यहाँ पे एक रेंज अगर हम मीन से डिविएशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिविएट हुए हैं हर एक आंसर। तो ये जो डिविएशन है इसका एक्सटेंट कितना है और कितने तरह से, मतलब कितने एस्पेक्ट में
एट वॉट लेवल इट इज अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. तो ये जो डिविएशन का एस्पेक्ट है इसको हमें आज यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट एनफ टू डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिक्स और टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रिसर्च. तो इसीलिए सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी की बात ना करते हुए हमें उसका डिविएशन भी किस लेवल पे है ये भी देखना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आज हम यही एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है, कितना डिविएशन होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कौन कौन से ऐसे मेजर्स. तो आगे हम आज के प्रेजेंटेशन में यही देखने वाले हैं. ओके, यानी सर अभी हम देखें तो मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड थे उसके संक्षेप में कहें कि उसके आसपास घूमने वाले डाटा को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन समझ सकते हैं. लेकिन सर तो हम थोड़ा सा और समझना चाहें डीप में, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं या इसको और किस तरीके से हम विस्तार में समझ सकते हैं प्लीज. बिल्कुल, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्पर्शन का डेफिनेशन ये होता है कि डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या जो वेरिएशन है ये क्या करता है कि सेंट्रल टेंडेंसी से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितना स्कैटर्ड है या कितना डिविएटेड है ये हमें पता करने में बहुत जरूरी हो जाता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट्स हैं, अगर मुझे ये करना है कि कितने हद तक ये डिविएट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरीके से कितना डिविएटेड हुआ है ये मुझे देखना जरूरी है. तो दोनों तरीके में कितना डिविएशन इसका मतलब क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अगर इसका मीन हम देखेंगे तो 3 आएगा. तो यहाँ पे एक साइड में 1 है और एक साइड में 5 है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जब डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस मुझे देखना है तो कितना है, 1 से लेकर 3 तक 2 का स्कैटर्डनेस है, 3 से लेकर 5 तक 2 का स्कैटर्डनेस है. तो ये जो डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस है कितना फैला हुआ है सेंट्रल वैल्यू से जो अदर वैल्यूज है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन, ना कि ओनली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितने लेवल तक फैला हुआ है, उस स्कैटर्डनेस को मेजर करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ वेरिएशन. तो ये हमें ये बताता है कि सेंट्रल वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितने लेवल तक डिस्पर्स हुआ है या कितने लेवल तक फैल चुका है. इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब ये जनरलाइज्ड सिग्निफिकेंस है, हर एक जो भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उनका जनरलाइज करते हुए एक सिग्निफिकेंस बताया है कि ये हमको कंप्लीट आइडिया देता है पूरे डाटा की. इसके अलावा जो स्कैटर्डनेस है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से हर एक ऑब्जर्वेशन कितने दूर तक फैला हुआ है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. इसके अलावा जो आगे जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है या जिसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं इसमें ये बहुत ज्यादा उपयोगी है. साथ ही साथ जो भी हमें डाटा होता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनको कंपेयर करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. तो इसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके हैं और जब हम इनको इंडिविजुअली वन बाय वन देखते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाउ दीज आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं. तो कंटिन्यूइंग कितने कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके के मेथड्स हैं, तो ये जो मैं यहाँ जनरली अगर हम देख पा रहे हैं कि इसमें बेसिकली ये जो मेथड्स मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है इट इज नॉट फिक्स्ड कि यही सारे मेथड्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं. इसमें भी जो मेन अगर हम बीएमएस की सिलेबस की बात करें जो कि हम फोर्थ ईयर की सिलेबस को टारगेटेड हम ये जो पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनकी बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंज, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन ओनली 3 यहाँ पे बताए गए हैं. लेकिन मैं आज के इस प्रेजेंटेशन में दो पॉइंट्स और भी जोड़ चुका हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन. क्योंकि देखो रेंज बहुत बार मतलब ये क्या है ये हम आगे देखते जाएंगे, लेकिन IQR से लेकर ST तक मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज से लेकर स्टैंडर्ड डिविएशन ये क्या है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. सीधे सीधे उन्होंने रेंज के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का आविष्कार नहीं हुआ, पहले उन्होंने इंटर क्वार्टाइल रेंज किया फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके क्वार्टाइल डिविएशन. तो ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस चलते चलते आज स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हम एक बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड एस्पेक्ट जिसको हम मान रहे हैं और उसी के बेसिस पर सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस तक पहुंच पाए हैं. तो आगे हम देखेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से हैं और किस तरीके से. तो कंटिन्यूइंग विथ सबसे पहला जो है
मेथड जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो है रेंज। इस शब्द को हमने बहुत बार हम जनरल टर्म्स में बहुत बार यूज भी करते हैं, जैसे कहीं पे भी हम किसी भी परचेजिंग में किसी भी शॉप में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा हमें ये कोई चीज दिखाओ, तो शॉपकीपर भी हमसे पूछता है कि क्या रेंज में दिखाओ। तो रेंज वहां पे ये नहीं होता, हम रेंज बोलते हैं, हम बोलेंगे कि 100 रुपए का दिखाओ या 1000 रुपए का दिखाओ या 1 लाख रुपए का दिखाओ। हम क्या करते हैं कि हम दो लिमिट्स सेट करते हैं कि इस लोअर लिमिट से लेकर इस अपर लिमिट तक, तो इसके बीच का, दैट इज वॉट एवर वी आर सेटिंग दोज टू पैरामीटर्स, द वन इज लोअर लिमिट एंड वन इज अपर लिमिट, तो इन दोनों लिमिट्स के बीच का जो वैल्यूएशन होता है उसको हम यहाँ पे रेंज कहते हैं। तो इसीलिए रेंज इज द डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज इन ए सेट ऑफ डाटा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, रेंज को डिनोट करते हैं विद द कैपिटल आर, और इसका जो ये होता है रेंज का, तो उसको कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है दैट इज एच माइनस एल। एच मीन्स द हाइस्ट वैल्यू, एल मीन्स द लोएस्ट वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि हम किसी दुकान में या कहीं पे भी हम परचेज के लिए बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि 1000 से 2000 के बीच का दिखाओ, सो हियर लोएस्ट वैल्यू इज 1000 दैट इज एल एंड हाइस्ट वैल्यू इज 2000 दैट इज एच, सो द रेंज इज 2000 माइनस 1000 दैट इज 1000। मतलब हमारा रेंज जो है वो इतने तक ही सीमित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें डिविएशन पता हो रहा है कि कितना डिविएशन हो रहा है, मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वहां पे हमें ये सबसे सिंपल फॉर्मूला और सबसे सिंपल है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं मेरिट्स बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत ही इजीली हमें देख के भी हम बता सकते हैं कि रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और दूसरी अगर डीमेरिट्स की इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि सारे वैल्यूज जो हैं हम इंक्लूड किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत अफेक्टेड हो जाता है। अगर मैं ये बोलूं कि 50 से लेकर 2000 तक, तो ये दोनों एक एक्सट्रीम है, एक 50 बहुत ही लोवेस्ट नंबर है और 2000 इज अगेन अ हाइस्ट ऑफ द नंबर। सो यहाँ पे जो है जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं तो वहाँ पे रेंज जो है हमारा 1950 का हो गया, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू से ये वाला अफेक्टेड करता है। तो इसीलिए रेंज इज यूजुअली फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर अ सिंपल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इट इज वन ऑफ द गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बट वी कैनॉट रिलाई ऑन दिस एंड द वैल्यूज ऑफ द रेंज विल नॉट बी यूज्ड फॉर द फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो ये है सबसे पहला रेंज। अब दूसरा आते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। कल हमने एक चीज देखा था जो कि कहता है जो कि मीडियन है, तो मीडियन में हमने देखा था कि दो पॉइंट्स थे ए और बी, और उसको हमने तीन क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट क्वार्टर Q1 कहा था, सेकंड क्वार्टर Q2, थर्ड क्वार्टर Q3। तो किसी भी दो पॉइंट्स को जब हम तीन क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो पहला जो है, और अगर हम ये मान ले कि उन दोनों क्वार्टर्स मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का ऑब्जर्वेशन अगर हम n मान ले या 1 मान ले, तो पहला क्वार्टर जो होता है वो 1/4 रहेगा, थर्ड क्वार्टर जो रहता है वो 3/4 रहेगा, और जो सेकेंड वाला जो मिडिल पोर्शन रहता है दैट इज 1/2 मतलब हाफ। तो यही हमने लास्ट जो मीडियन हमने देखा था, तो वहां पे हमने देखा था Q2 = n/2, Q2 क्योंकि दैट इज द मीडियन और द मिडिल क्वार्टर। तो यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम जो मीडियन एस्पेक्ट था वो हमने देख लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में Q2, क्योंकि हम वहां पे सेंट्रल वैल्यू ले रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं, डिविएटेड वैल्यूज, डिस्पर्शन वैल्यूज देख रहे हैं। तो हम उस Q2 को छोड़ के जो बचा हुआ Q3 और Q1 है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे, और इन दोनों के बीच का मतलब Q2 से ये कितने डिविएटेड हैं, इसको देखने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर दो पॉइंट्स को अगर हम तीन क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं तो थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है Q3 - Q1। Q3 थर्ड क्वार्टाइल है ऑब्वियसली 3/4, लेकिन अगर हम ये मान ले जैसे मैंने कहा था कि अगर हम टोटल ऑब्जर्वेशन को 1 मान ले तब ये 3/4 कहेगा, अगर हम टोटल ऑब्जर्वेशन ए पॉइंट लेकर बी पॉइंट तक का जो ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम n मान ले देन इट इज डिनोटेड एज 3n/4।
और फर्स्ट क्वार्टाइल क्योंकि 1/4 होता है, सबसे छोटा क्वार्टाइल होता है, तो वहां पे n बाय फोर कहेंगे क्योंकि n हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है Q3 माइनस Qn। अब आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें डिविएशन को देखने में किस तरीके से मदद करता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स के वेट यहाँ पे दिए गए, तो 84 kg, 62 kg, मतलब यहाँ पे वेरिएटेड 10 स्टूडेंट्स के वेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमने मीडियन में कल भी देखा था कि जब भी मीडियन की बात आती है सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें जो भी डाटा मिल रहा है उस डाटा को पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन द सेम सेंस कंटिन्यूइंग हियर अगेन, जैसे कि ये भी क्वार्टाइल से ही रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो जब हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा तो हमने देखा कि 38 से लेकर 84 तक जो है वेट का वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब अब अगर हम ये बात करें कि Q3 जैसे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है, तो हमें यहाँ पे n पता है क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो ऑब्वियसली n इज 10 और फिर बाकी सब क्या वैल्यूज तो हमें पता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले Q3 को फाइंड आउट करना है, तो हमने 3 × 10 / 4 क्योंकि 3n/4 ये Q3 का फॉर्मूला है और n/4 ये Q1 का फॉर्मूला है। तो जब 30/4 आएगा तो आंसर आएगा 7.5। तो 7.5 को हम राउंड ऑफ करते हुए, क्योंकि हमें जैसे मीडियन में भी हमने देखा था जो आंसर आता है उस जगह पे या उस पोजीशन पे जो भी एक वैल्यू रहेगा या जो भी हमारा जो डाटा है उसमें से जो वैल्यू उस पोजीशन पे रहेगा उसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ 7.5 को हम राउंड ऑफ करते हुए अगर 8 मान लें तो 8th पोजीशन पे जो भी आइटम है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 8th पोजीशन पे जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा तो 8th पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज 64। एंड इन द सेम वे व्हेन वी कैलकुलेट फॉर Q1 के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला है n/4 एंड अगेन 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10/4 एंड इट इज 2.5। तो 2.5 को अगेन राउंड ऑफ करते हुए 3 आएगा, तो थर्ड आइटम जो है उसको हमें यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज अ फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू है वो आएगा 48 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे जो है वो है डिजिट 48। तो अब हमें क्या करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करना है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आएगा Q3 - Q1 मतलब 64 - 48। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है हमारा वो है 16। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो Q2 है जो n/2 का जो वैल्यू है उससे जो Q3 है मतलब जो थर्ड क्वार्टाइल में है और जो Q1 है जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल में है इनके बीच का जो एक रेंज है वो 16 का है। ठीक है, सो दिस गिव्स वन ऑफ द बेसिक बेसिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पहली बार रेंज के बाद एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली अच्छा फॉर्मूला अगर कोई इवैल्यूएट हुआ है या जो प्रोड्यूस हुआ है तो दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगेन जब हम इंटर क्वार्टाइल की रेंज की बात करेंगे तो इसमें हमें कुछ मेरिट्स भी हैं कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब मेरिट्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ पा रहे हैं, आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं और एक्सट्रीम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अगेन एक्सट्रीम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये वन ऑफ द डीमेरिट्स भी बन जाता है। जैसे कि पहले भी हमें मीडियन में भी यही प्रॉब्लम था कि ये सिर्फ पोजीशन को देखता है कि थर्ड आइटम क्या है, थर्ड आइटम की वैल्यूएशन कितनी है वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर से पहले के जो ऑब्जर्वेशन थे, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, जो अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें जब हमने देखा, जैसे इसमें देख रहे हैं 48 से पहले वाले ऑब्जर्वेशन वो 39 है या 47 है या 32 है या 1 है उससे कोई मतलब नहीं है, इट इज ओनली द पोजीशन विच मैटर्स हियर। तो इस वजह से अगर हम देखें तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स हम कह सकते हैं ऑन बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज। ठीक है, मतलब क्वार्टर से जो अंदर के जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया जाता, तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ दिस इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए
नेक्स्ट जो एक फॉर्मूला डेवलप किया गया वो कहते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, ये जो थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का जो हमने एक डिफरेंस देखा, तो हमने एक ब्रॉड वे में हमने ये यहाँ पे इसका डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। लेकिन हमें जो है उसकी डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए और उसका एवरेज लेना लेंगे तो और ज्यादा सही लगेगा। तो इसलिए एवरेज लेने के लिए, जैसे एवरेज के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जितने आइटम्स होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल की एक वैल्यू है, थर्ड क्वार्टाइल की एक वैल्यू है, तो वी आर डिवाइडिंग इट बाय टू। तो इसलिए क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या आया, आई क्यू आर डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि आई क्यू आर मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज में कितने वैल्यूज है, एक क्यू थ्री का वैल्यू है और एक क्यू वन का वैल्यू है, तो इसीलिए वी आर डिवाइडिंग इट बाय टू। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल था जो अभी हमने देखा, क्यू थ्री माइनस क्यू वन, हेंस द क्वार्टाइल डिविएशन का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो यही फॉर्मूला के जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखा जाए, तो सेम एग्जाम्पल मैंने फिर से वहां यहाँ पे वही एग्जाम्पल कोट किया ताकि अच्छे से समझ पाए। तो जब हमने पहले कैलकुलेट किया तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा आया था अभी 16, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म 48 था, एट टर्म 64 था, तो जब हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज में Q3 माइनस Q1 किया तो वी गॉट द आंसर 16। एंड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिविएशन, अगेन बहुत सिंपल सा तरीका है, आई क्यू आर डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज 16 था तो डिवाइडेड बाई टू यूज द आंसर टू 8। सो क्वार्टाइल डिविएशन इज दिस, मतलब इसको हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही फॉर्मूला आगे जाकर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, और ज्यादा मॉडिफाई हुआ, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हिच इज टिल टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो नेक्स्ट इसी क्वार्टाइल डिविएशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए, पहले हम इस बिफोर दैट विल सी व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर मेरिट्स की और डीमेरिट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ही मेरिट, सबसे बड़ा मेरिट इसका ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। लेकिन डीमेरिट ये है, इट इज अ पोजिशनल वैल्यूज, ठीक है, पोजिशनल वैल्यू मतलब इसमें क्या है कि ये वैल्यूएशन को नहीं मानता, पोजिशन को मानता, और मतलब जितने भी जो भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं वो जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज में देखा था वही सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमें यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, पहला था रेंज, दूसरा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, और तीसरा है क्वार्टाइल डिविएशन। तो अगेन कंटिन्यूइंग इट फर्दर, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, देन द डेवलपर one of the we can say the most appropriate जो एक method of measures of dispersion है उसको यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन सा है ये, that is known as mean deviation, ठीक है, क्योंकि mean deviation, इसको mean deviation इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा method उन्होंने या ऐसा formula उन्होंने formulate किया जिसके द्वारा उनको ये पता चला मीन से एग्जैक्टली किस तरीके से हर एक ऑब्जर्वेशन कितना डिविएट हुआ ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इम्प्रोवाइजेशन है कि कितना, हाउ मच इट हैज बीन डिविएटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमिंग टू, यहाँ पे हमें डिग्रीज ऑफ स्कैटर्डनेस देखना है कि एवरेज अमाउंट में कितना ये स्कैटर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको देखना है। तो जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड है, तो यही सब चीजों के द्वारा हमें यहाँ पे कितना स्कैटर्ड है, क्योंकि सबसे पहला और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट द मीन डिविएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डिविएशन। सो व्हेन वी सी थ्रू दिस फॉर्मूला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लेकिन बेटर देन द यस्टरडेज वन, जहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड का था, मीडियन का था, उन सब फॉर्मूला से कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा फिर भी अप्रोप्रिएट है। तो अगर हम इसकी बात करें कि हाउ एग्जैक्टली दिस इज एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला एक्सप्लेन, तो यहाँ पे फॉर्मूला है AD इज इक्वल टू
समेशन ऑफ मॉड्यूलस x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n. तो अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि देखियो मैंने जैसे कल भी कहा था और आज भी यही बात दोहरा रहा हूं कि हम जब भी ये फॉर्मूला लेंगे, अगर हम टेक्स्ट बुक कोई भी टेक्स्ट बुक जो भी हम फॉलो करते हैं, तो व्हेन वी गो थ्रू द टेक्स्ट बुक द फॉर्मूला मे बी डिफरेंट, बट वॉट एवर द मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल दैट फॉर्मूला में जितने भी शब्द है और उनका जो एक एक्सप्लेनेशन है, तो जब हम उन एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन हमेशा सेम रहेगा. भले यहाँ पे एडी की जगह एमडी हो सकता है, क्योंकि मीन डिविएशन हम कह सकते हैं, एक्स की बजाय म्यू हो सकता है, कुछ भी हम डिनोट करें, लेकिन म्यू को म्यू का जो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रहेगा, जैसे एक्स का यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, इस तरीके से. सो एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला एडी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. सो एडी अगेन एवरेज डिविएशन और मीन डिविएशन. समेशन मतलब समेट करना है, एड ऑन करना है हर एक ऑब्जर्वेशन को. मॉड्यूलस ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. व्हाट इज मॉड्यूलस? अगर हम थोड़ा सा मैथ्स को रिवाइज करेंगे जो हमने बहुत पहले छोड़ दिया था बिकॉज वी एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल, सो हमने मैथ से थोड़ा सा नाता जो तोड़ दिया है, अगर हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले तो मॉड्यूलस इज नथिंग बट द साइन विच हेल्प्स इन रिमूविंग द नेगेशन. जो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं उसको, नेगेटिविटी को हटाने के लिए जिस एक साइन का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉड्यूलस. अगर और अच्छे से समझा सकें तो उसमें ये होगा कि मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू टू. तो जो माइनस टू का जो माइनस है उसको हटाना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ये पहले से ही अगर हमने थोड़ा सा ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैथमेटिकल साइन में साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो हमें कोई भी साइन हम अपने मन से नहीं हटा सकते, हमें हटाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज वन ऑफ सच फॉर्मूलास दैट इज मॉड्यूलस. तो ये जब भी हम मॉड्यूलस कहीं पे यूज करना है, मतलब अगर वहां पे कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए या उस माइनस को हटाने के लिए वी आर यूजिंग द मॉड्यूलस. सो दिस इज मॉड्यूलस. नेक्स्ट एक्स. एक्स मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन हो गया. एक्स बार अर्थमेटिक मीन हो गया. नेक्स्ट एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. तो ये हो गया टोटल ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन. अब आगे अगर देखेंगे कि किस तरीके से हम ये मीन डिविएशन को कैलकुलेट करना है, तो ये जो है कि एक सिंगल क्लास के पांच डिविजन्स हैं और पांच डिविजन्स में स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बताएंगे. जैसे होते हैं क्लासेस स्कूल्स में कि फर्स्ट डिविजन या ए डिविजन, बी डिविजन, सी डिविजन, तो इस तरीके से पांच डिविजन्स में स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बताई गई है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन डिविएशन. तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यूज है वो है 10, 20, 30, 40 and 50. तो हमें देखना है मीन डिविएशन. मीन डिविएशन के लिए सबसे पहला हमें जो कैलकुलेट करना है वो है मीन इटसेल्फ. तो जब हम मीन को कैलकुलेट करेंगे तभी हम वहां से मीन से डिविएटेड वैल्यूज जो है या मीन डिविएशन जो है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने कल देखा ही था कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जितने भी वैल्यूज है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 मतलब 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. तो इन सब को समेट करते हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, क्योंकि ए डिवीजन बी डिवीजन 3 डिवीजन, तो हमने 5 डिवीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसलिए 5 ऑब्जर्वेशन है. सो अगेन व्हेन कैलकुलेट द मीन तो इट गिव्स 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 30. तो ये जो हमको दे रहा है वो है वैल्यू 30. तो ये तो हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया मीन को. तो मीन के बाद अगर हम और देखें कि जो है इस फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला में हमको चाहिए था समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार. तो हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार को कैलकुलेट किया. अब एक्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. तो ये भी एक्स है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है. तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को अगर हम x कंसिडर कर लें
और x bar जो हमारा वैल्यू है वो है 30, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट x माइनस x बार। तो पहला ऑब्जर्वेशन 10 है माइनस x बार जो 30 वैल्यूएट यहाँ पे आया हुआ है, सो 10 माइनस 30 गिव्स माइनस 20। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है 20, तो इसीलिए 20 माइनस 30 गिव्स माइनस 10। तो इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो तीसरा 30 है तो 30 माइनस 30 गिव्स 0। फोर्थ वन 40 है तो 40 माइनस अगेन x बार इट गिव्स 10। एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 50, तो 50 माइनस 30 इट गिव्स वैल्यू 20। तो इस तरीके से जब हमें सारे x माइनस x बार मिले, तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, समेशन ऑफ x माइनस x बार। तो हमने समेशन करना है, तो मतलब सबको ऐड करना है, समेट करना है। तो जब सबको ऐड करना है तो क्या करना है, जो मॉड्यूलस हमने यूज किया है इसका फायदा क्या है, ये जो माइनस 20 जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है इसकी जो नेगेटिव वैल्यू जो है या नेगेटिविटी जो है वो हट जाएगा, और जो माइनस 10 जो यहाँ आया हुआ है इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ से नेगेटिविटी हट जाएगा। सो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड ऑन ऑल दिस वैल्यूज। तो इन्हीं सारे वैल्यूज जो आए हैं इनको जब हम एड ऑन करेंगे सो इट गिव्स 60, एंड 60 डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स द वैल्यू 12। तो जो मीन डिविएशन है, मतलब जो मीन है हमारा, मीन कौन सा है इसमें 30। सो जो मीन डिविएशन मतलब हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मीन से ऑन एन एवरेज, इसको एवरेज डिविएशन कहते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज इट इज डिविएटिंग एट द रेंज ऑफ 12। तो जो एवरेज डिविएशन या जो मीन डिविएशन है वो है 12। हर ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो वो 12 के डिफरेंस से डिविएट हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला डेवलप्ड टिल, मतलब रेंज से इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज से क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन से वन ऑफ द बहुत ही एडवांस्ड जो हम कहें या वन ऑफ द नियरर टू द परफेक्शन फॉर्मूला अगर हम कहें तो वो होता है मीन डिविएशन, ठीक है। देन कंटिन्यूइंग फर्दर, इसके भी कुछ ऑब्वियसली मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर हम देखते रहे तो मेरिट ऑब्वियसली वही है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सारे ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड है। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जब मीन निकालने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेशन में लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इक्वल वेटेज। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या मेरिट्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगेन क्या कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैथमेटिकल साइन को इग्नोर किया। इग्नोर किया इन द सेंस भले हमने मैथमेटिकल वे से ही हमने उस नेगेटिव को हटा दिया, बट समहाउ वी आर नेग्लेक्टिंग द और इग्नोरिंग द मैथमेटिकल साइन। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डीमेरिट्स। एंड सेकेंड डीमेरिट इज मतलब अगर हम मैथमेटिकल साइन को नहीं हटाते तो क्या होगा, अगर हम मान लीजिए ये मॉड्यूलस जो फॉर्मूला में यूज है ये मॉड्यूलस नहीं रहता, तो x माइनस x बार समेशन ऑफ x माइनस x बार विदाउट द मॉड्यूलस इट गिव्स 0 एंड ऑल इट विल बी ऑलवेज 0। तो x माइनस x बार का जो समेशन होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर यहीं पे भी हम देख पा रहे हैं कि माइनस 20 है, माइनस 10 है, 0 है, 10 है, 20 है, अगर इन सबको हम ऐड करेंगे माइनस 20 प्लस माइनस 10 माइनस 30 और 20 प्लस 10 इज 30, तो माइनस टोटल 30 माइनस 30 0, तो समेशन हमेशा 0 आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटाना है, और उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमें मॉड्यूलस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल साइन को इग्नोर कर रहे हैं, दिस इज द ओनली डेमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज नियरर टू द परफेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज नोन एज मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन। आई होप कि आप इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं। तो इस जो नेगेटिव साइन को हटाने का ये जो तरीका था, जहां पे हमने मॉड्यूलस यूज करके उस नेगेटिव साइन को हटाया, तो कोई और तरीका, जैसे हम आयुर्वेद में जैसे कहते हैं ना कि आचार्यों ने जैसे उसको अपडेट करते गए अपने नॉलेज, तो इसी तरीके से मैथमेटिशियंस जो है
जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स इन सब चीजों को डेवलप किया, उनने भी थोड़ा और कोशिश करके ये सोचा कि और अच्छे से किस तरीके से हम इस साइन को हटा पाते हैं. देन दे फाउंड आउट द वे टू अल्टीमेटली रिमूव दैट नेगेटिव साइन विदाउट मच वेरिएशन. मतलब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल साइन को भी इग्नोर नहीं कर रहे और कुछ ज्यादा वेरिएशन न करते हुए हम उस नेगेटिव साइन को हटाने में सक्षम हो गए. एंड दैट फॉर दैट दे यूज्ड वन सिंपल फॉर्मूला. दे डिड द स्क्वेयरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेगेटिव साइन. एंड व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, जब हम कहीं पे कुछ मैथमेटिक्स में हमेशा ये होता है कि हम कहीं पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमें डिलीट भी करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. कहीं पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं पे हमें उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. इसी तरीके से अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को हटाने के लिए उस पर्टिकुलर संख्या को जब स्क्वेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें स्क्वेयर रूट भी अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट दे डिड. यहाँ पे अगर हम बीच में देख पा रहे हैं तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू इज टू. ये तो था मीन डिविएशन वाला फॉर्मूला. इसके बजाय उन्होंने क्या किया, माइनस टू को स्क्वेयर कर दिया और वहां पे स्क्वेयर रूट भी अप्लाई कर दिया. तो माइनस टू को जब हम स्क्वेयर करते हैं तो वो हो जाता है फोर. नेगेटिव हमारा जो साइन था वो हट गया. और जब हमने यहाँ पे स्क्वेयर किया है तो उसको हटाने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए हमने स्क्वेयर रूट का भी अप्लाई किया. तो अगेन वी आर अप्लाइंग स्क्वेयर रूट. तो स्क्वेयर रूट ऑफ फोर इज टू. तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला के द्वारा हमने क्या कर दिया कि उस नेगेटिव साइन को हटा दिया. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड और दिस इज हाउ वी कम टू द परफेक्शन ऑफ दैट फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग फॉर द मेजर्स ऑफ dispersion. So again we can very simple terms we can say as standard deviation is nothing but the square root of summation of square of deviation of given set of observations from the arithmetic mean divided by the total number of observations. ये ऐसे शब्दों में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसका जो simple formula है वो इस तरीके से है. अभी पहले formula ये था कि summation of modulus of x minus x naught divided by n. अब सेम फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर दिया, समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और ऑल दिस इज अंडर द स्क्वायर रूट. तो इससे क्या हो गया कि हमने स्क्वायर भी कर लिया और स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर लिया. सो वी गेट द सेम वैल्यूज. सो अगेन द एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला, यस सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर समेशन, देन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज x, x बार इज अरिथमेटिक मीन and n is total number of observations. इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो पांच इंडिविजुअल्स के जो ESR values है वो इस तरीके से हैं 2, 4, 6, 8, and 10. Whenever we are doing the calculations or whenever we want to set an example in case of statistics, especially for us those who are onto the मेडिकल फील्ड, जब हम इस मेडिकल फील्ड में हैं तो हम जब भी एक एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ये होना चाहिए कि सिंपल सा एग्जांपल लें ताकि हम कैलकुलेट भी आसानी से कर सकें और वैल्यूज भी सिंपल से आ सकें. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर टेकिंग द ESR ऑफ द फाइव पेशेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, दैट इज 2, 4, 6, 8, and 10. तो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वे तो हमें क्या क्या चाहिए, x चाहिए, x तो हमारे पास है ही जो प्रॉब्लम में हर एक ऑब्जर्वेशन है दैट इज x. x बार हमें फाइंड आउट करना है, द मीन अगेन विद द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. और n हमें पता ही है ओनली 5 ऑब्जर्वेशन, सो देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन दैट. तो कैलकुलेटिंग हमें पहले क्या करना है, x बार को फाइंड आउट करना है. सिंपल सा फॉर्मूला, व्हेन वी अप्लाई दैट इट गिव्स द आंसर 6. तो हमें x बार यहाँ पे पता चल रहा है. नाउ डायरेक्टली हमें x बार लेकर और x को ये करने के बजाय हम क्या करेंगे, वी विल डू x माइनस x बार, तो जो हमने मीन डिविएशन में भी किया था. तो जब हमने वो किया तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस कॉर्नर में कि जब x माइनस x बार किया तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जब मीन को माइनस किया तो जो वैल्यूज आए, दो वैल्यूज आए ऐसे -4 and -2 और दो वैल्यूज आए 2 and 4. तो इन वैल्यूज को अभी हमें नेक्स्ट करना क्या है, x माइनस x बार का होल स्क्वायर करना. तो ये जो हर एक ऑब्जर्वेशन है इनका स्क्वायर करना है. तो हमने क्या किया, -4 को स्क्वायर किया तो 16, -2 का 4, 0 and 4 and 16.
Now next thing is we have to summate all these things. So for summation, when we go to the summation, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16. So it all together it gives the value of 40. तो ये value आ रहा है 40 आ रहा है. तो हमें जो numerator की जो value है वो हमें यहाँ पे पता चल गया. Now what we have to do? We have to do the calculation. हमें standard deviation का formula पता है. So simply apply that formula and find out the values here. So formula में जब हम apply करेंगे, so again it is sigma is equal to square root of summation of x minus x bar square. तो हमको मिल चुका है, that is 40. So summation square root of 40 divided by n. n मतलब observations, total observations है 1, 2, 3, 4 and 5. So इसलिए 40 divided by 5 is 8. So square root of 8 is 2.8. So स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो मीन वैल्यू है या जो सेंट्रल वैल्यू है वो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से ऑन एन एवरेज स्टैंडर्डली 2.8 से डिविएटेड है. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला टिल डेट टू कैलकुलेट द डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू और द मीन. तो जनरली मीडियन और मोड को हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, तो हम मीन को ही देखते हैं. और हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे एक्स बार ही लिया जा रहा है, दैट इज द मीन. तो मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज जो है 2.8 वैल्यू से डिविएट हो चुका है. तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन. अब ये तो हो गया जहाँ पे सिंपल वैल्यूज हमको मिले, क्योंकि पांच लोग थे, पांच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और उनके जो वैल्यूज थे ESR के सिंपल न्यूमेरिकली यहाँ पे बता दिया. लेकिन अब हम यहाँ पे जैसे हमने कल देखा था मीन में, मीडियन में, मोड में कि ऑब्जर्वेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, क्लास होते हैं, अलग अलग बहुत सी चीजें होते हैं. तो इन सच कंडीशन अगेन ओनली अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला इस कॉर्नर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूला में हम देख पा रहे हैं कि सेम फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा इतनी देर तक, बस एक EF यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है और उस EF का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. तो इस टाइप के जब वैल्यूज आते हैं जहाँ पे क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे जब वैल्यूज आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सेम फॉर्मूला में एक फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर दिया. अब दो चीजें यहाँ पे डिफर हो जाएंगी, एक जो समेशन सॉरी एक्स बार जो है या मीन जो है उसकी जो फॉर्मूला है वो भी बदल जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन के बजाय एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा. ये सारा जितना भी है ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एफ, और ये 10 जो है टोटल ऑब्जर्वेशन ये है हमारा एन, और एक्स क्या है जैसे कि मैंने कल बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो ये क्लास होता है इस क्लास का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है एक्स, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है 10 भी है 20 भी है, तो इसमें से x को हमें कंसिडर करना है. तो हमें क्या करेंगे, इस क्लास के मिड वैल्यू को x कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 35 एंड हियर इट बिकम्स 45. तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा f हो गया और ये हमारा n हो गया. तो इस तरीके से ये तीनों जब हमको मिल गए, देन वी हैव टू ऐसे इनको फाइंड करना है, इनको सबको समेट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे हमें एक्स बार मिलेगा, और फिर इन सबको हम जब इस फॉर्मूला में डालेंगे देन वी विल कम टू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्मूला के साथ वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन. नेक्स्ट अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने देखा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लेकिन जब यहाँ तक आ गए और स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ गए, क्योंकि देर आर वेरी, और मान लीजिए दिस फॉर्मूला इज 99.9% परफेक्ट, ठीक है, अगेन देर इज अ स्टैंडर्ड एरर, देर इज सम लिमिटेशन, बट that is when we are applying this standard deviation to a bigger population, ठीक है, but for the present calculation for the deviation from the mean, mean से हर एक चीज कितना deviate हो चुका है, इसको देखने के लिए one of the best formulas without
एनी डीमेरिट्स इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं. इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. हमने यहाँ देख भी रहे हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि जिसको हमने कैलकुलेशन में नहीं लिया. दूसरा, जो एक सिंपल सा डिसएडवांटेज हमने देखा था मीन डिविएशन, वहां पे डिसएडवांटेज में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज था, दैट इज इग्नोरिंग द मैथमेटिकल साइंस. और वो यहाँ पे वो डिसएडवांटेज हट गया. तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन विदाउट इग्नोरिंग एनी ऑफ द मैथमेटिकल साइंस. नेक्स्ट, फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन दिस इज यूज. जैसे हम बता रहे हैं कि आगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, पी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, टेस्ट है, मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वहां पे हमें ये जो डिविएशन का मेथड है इसको हमें यूज करना है. नेक्स्ट, यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर, जो कि मैं बात कर रहा था. एक एरर भी आता है तो क्यों आता है वो हम देखेंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन डिविएशन को हमें जानना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, तो ये हो गया रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन. आई होप कि आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई द पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर. तो अभी तक हमने देखा स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में. तो इसमें हमने बहुत सी चीजें देख ली कि जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थे, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अगेन वी कैन से दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और द अंडरस्टैंड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड एरर. अब स्टैंडर्ड डिविएशन होने के बावजूद, जैसे अभी तक तो हम बोल रहे थे कि दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट मेथड. ठीक है, सो दिस इज मेथड, दिस मेथड इज परफेक्ट. देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर, एरर क्यों आ गया? जब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया था, स्टैंडर्ड आ गया था, एरर क्यों आ गया? तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देख पा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया. देर इज जैसे कि हम लास्ट जब रिसर्च की बात कर रहे थे या स्टेटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, हमने कुछ डेफिनेशन देखे लाइक सैंपल, पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन वो होता है जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं या जितना भी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एक पॉपुलेशन कहते हैं. तो जैसे इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, इस पर्टिकुलर तरीके से जब हम देखेंगे तो दैट इज पॉपुलेशन. अब दूसरी बात आती है पॉपुलेशन के बाद सैंपल की. तो सैंपल वो होता है कि उस पॉपुलेशन से जो सिलेक्ट किया गया जो कि सबसे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, जो कि पूरी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से सैंपल और पॉपुलेशन के डेफिनेशन को हमने देखा था. और जो भी हम सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर अप्लाइंग द रिजल्ट्स फ्रॉम सैंपल टू द पॉपुलेशन देयर विल बी सम एरर. तो उसमें कुछ एरर होते हैं. अब इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमें देखना है कि इस क्लास में या पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को आउट ऑफ 100 वो कितना स्कोर कर पाता है. ठीक है, बट वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. तो व्हाट वी डू कंडक्ट अ सिंपल कैलकुलेशन. हम क्या करते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं. क्या हम 10 मार्क का एक टेस्ट ले लेते हैं एंड जो भी 10 मार्क में उसके स्कोरिंग कितने हैं, वी विल मल्टीप्लाई इट इनटू द 10 फोल्ड्स एंड देन वी विल कम टू नो दैट हाउ मच ही विल स्कोर इन द 100. ओके, ये बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है. तो आउट ऑफ 10 इफ ही स्कोर्स 9, तो आउट ऑफ 100 ही स्कोरिंग कितना, 90. तो 10 में 9 मिल रहा है. तो व्हेन वी फोल्ड इट, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, मल्टीफोल्ड इट, सो देन इट विल बी आउट ऑफ 100 90. लेकिन अगर हम उसको 100 का ही स्कोरिंग के लिए अगर हम पेपर दे देते हैं कि आउट ऑफ 100 तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सो देर मे बी चांसेस दैट ही मे स्कोर 95, ही मे स्कोर 96, ही मे स्कोर 97 और एनीवेयर बिटवीन 90 to 100. देर आर ईच एवरी चांसेस और एवरी पॉसिबिलिटीज दैट ही मे स्कोर मोर देन 90. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द एरर. तो हमने क्या किया, आउट ऑफ 10 वी टुक द टेस्ट फॉर 10 मार्क्स एंड वी मल्टीफोल्ड इट टू 100. तो वहां पे उसने ही कैन हार्डली स्कोर 90. बट व्हेन वी
took the exam for the 100, then he scored more than what we have multiplied. तो कहीं ना कहीं हम छोटे लेवल पे रिसर्च करके या छोटे सैंपल पे रिसर्च करके बड़े पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करने जाते हैं तो एक वहां पे वेरिएशन आ जाता है. इस वेरिएशन को या इस एरर को जो हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर. तो भी स्टैंडर्ड एरर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एरर होना, एरर होना ऑब्वियसली एरर एक शब्द ऐसा है कि एरर होना अच्छी बात नहीं है किसी भी रिसर्च में. तो एरर को कम कैसे कर सकते हैं? तो एरर को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा. सैंपल साइज को बढ़ाना मतलब जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने 10 मार्क के लिए एग्जाम लिया और 100 मार्क के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया. आप अगर हम 10 मार्क के बजाय 50 मार्क का एग्जाम ले लें तो इमेजिन अगर हमने 50 मार्क्स का एग्जाम लिया तो उसमें उसने स्कोर किया 49. इसको हमने डबल कर दिया तो आउट ऑफ 100 ही स्कोर 98. तो जहां पे हमने आउट ऑफ 10 लिया था तो वो जो रेंज था हमने जब मल्टीफोल्ड किया 90 to 100, 10 का गैप था, एरर ज्यादा था. लेकिन जब हमने आउट ऑफ 50 लिया एंड ही स्कोर 49 और फिर जब हमने उसको मल्टीफोल्ड किया तो इट यूज 98. तो यहाँ एरर कितना बच गया, वेरी शॉर्ट, 98, 99, 100, मतलब सिर्फ 2 का एरर हो गया. तो जब हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे और भी जब हम उसको 60 करेंगे, 70 करेंगे, 80 करेंगे, 90 करेंगे, इस तरीके से जिस तरीके से हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे उतना ही एरर जो है वो कम होता जाएगा. तो दैट्स वाई मोर द स्टैंडर्ड सॉरी मोर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस द स्टैंडर्ड एरर. अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और हम देखते हैं. यहाँ पे दो शब्दों को ध्यान में रखना है. स्टैंडर्ड एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड सैंपल वैल्यू. सो व्हेन वी एस्टिमेटेड, क्योंकि देखो सैंपल वैल्यू का हमेशा एस्टिमेशन ही होता है कि हमने ये सैंपल लिया और इसमें जब एस्टिमेशन किया ये वैल्यू आया. और जब पॉपुलेशन का होता है तो वो ट्रू वैल्यू है क्योंकि सारे पॉपुलेशन में जितने भी लोग थे सबको हमने टेस्ट करके किया है तो जो वैल्यू आ रहा है वो उसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू. तो दिस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड सैंपल वैल्यू इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर. तो ये हो गया रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एरर. अब स्टैंडर्ड एरर को एक सिंपल फॉर्मूला में अगर हमें समझना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. Standard error is equal to standard deviation divided by square root of error. अब standard deviation हमने पहले भी calculate कर लिया था. अभी इससे पहले जो example हमने लिया था उसमें standard deviation आया था 2.8. तो उसी का अगर हमें standard error calculate करना है तो divided by square root of n. Square root of n मतलब 5. Observation कितने थे? 5 थे. 2, 4, 6, 8, 10. तो जब 5 ऑब्जर्वेशन को हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2.23 आएगा. एंड अगेन व्हेन वी कैलकुलेट दिस फॉर्मूला द स्टैंडर्ड एरर विल बी 1.25. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर लिया. जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो वंस वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर आल्सो, क्योंकि वही बताता है कि डिविएशन जितना ज्यादा डिविएशन रहेगा उतना ज्यादा एरर रहेगा. इसी को आगे हम और अच्छे से समझेंगे बेस्ड ऑन दिस इंटरप्रिटेशन. तो जब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि एस सी इज इक्वल टू एस डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10. मतलब एस सी और एस डी जो है, मतलब स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो न्यूमरेटर में है. दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डिविएशन. वॉट इट मीन्स कि जितना ज्यादा डिविएशन रहेगा, मीन से जितना ज्यादा डिविएट करेगा उतना ज्यादा एरर आएगा, और जितना कम डिविएट करेगा उतना एरर, जो एरर के चांसेस जो है वो कम रहेंगे. और दूसरा यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, एस सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज, जो कि मैंने अभी अभी बताया था. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा सैंपल साइज रहेगा उतना
उतना जो है एरर के चांसेस कम रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे जैसे सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे एंड व्हेन इफ वी आर टेकिंग द होल पॉपुलेशन एज अवर सैंपल और वी आर कंसीडरिंग द होल पॉपुलेशन फॉर द रिसर्च देयर विल बी नो स्टैंडर्ड एरर। मतलब सैंपल साइज को हमें मैक्सिमम लेना है ताकि स्टैंडर्ड एरर कम आए। ये रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एक मिनिमम पेशेंट्स को जब हम रिसर्चर जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं उनको हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो है थोड़ा सा सैंपल साइज बढ़ा के लेना। सैंपल साइज बढ़ाने से फायदा क्या होगा कि आपकी एरर के चांसेस कम होंगे। अगर हम एक पेशेंट, पांच पेशेंट, दस पेशेंट पे देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो है एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर हम उसी को 30 पेशेंट या 100 पेशेंट पे जब अगर हम देखेंगे तो उसमें एरर के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। तो इसीलिए जितना ज्यादा सैंपल साइज रहेगा उतना जो है रिसर्च सक्सेसफुल रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हमने बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि सिंपल तरीके से कोशिश कर लिया समझने की कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी जरूरी है, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमने डाटा को कंडेंस करके एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट किया, लेकिन उस सेंट्रल वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, भले वो दो है, तीन है, दस है, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वो उस सेंट्रल टेंडेंसी से कितना फैला है इसको देखने के लिए डिविएशन को जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमने देखा किन किन मेथड से हम यहाँ पे जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देख सकते हैं, जैसे रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, अल्टीमेटली वी सॉ द स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड एरर भी उतना ही हमको जरूरी है सो दैट देयर विल बी एरर फ्री रिसर्च। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि आज का टॉपिक का था। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में जिसका मतलब टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये जो शब्द है इसको सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा हम क्या देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी या फिर हम उसको कहते हैं संभावनाएं। तो हर एक चीज जब भी हम कुछ कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें संभावनाएं क्या होती हैं, तो संभावनाएं कितनी होती हैं और बिना संभावनाओं के हमारे जो डे टू डे रूटीन वर्क है वो हम करते भी नहीं। जैसे कि आज हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा काम हो या छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी रिसर्च में किस तरीके से हेल्पफुल होता है, इसी सब चीजों को हम आज यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि जो हमें इसको एक अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है। अगर कोई मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं, तो हमारा रिसर्च इट विल बी एरर फ्री। हम कह सकते हैं कि जितना मिनिमम एरर हो सकता है, मतलब एरर को अगर हमें बहुत ही मिनिमाइज करना है हमें प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हर एक चीज में जब भी हम कभी भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर एक पेशेंट भी हमारे पास आता है और पूछता है, हम बताते हैं कि आपको ये बीमारी है और ये हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं या ये पंचकर्म का एक ट्रीटमेंट हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला उसका यही होता है, भले वो शब्द प्रोबेबिलिटी का यूज ना करें लेकिन उसका मनसा तो ये कहने का यही होता है कि कितने परसेंट चांसेस है इसके ठीक होने के। दैट मीन्स हाउ मच प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मेडिसिन इज देयर टू क्योर दिस पर्टिकुलर डिसीज, उसी को अगर हम देखना है तो हमें ये प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, हर एक जो भी इवेंट होता है या जो भी एक इवेंट मतलब जो भी एक तरीका होता है तो उसमें दो चांसेस होते हैं कि या तो ये होगा या तो नहीं होगा।
सबसे बेसिक चांसेस जो होते हैं हमेशा दो रहते हैं, आइदर इट विल गोइंग टू हैपन और इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो उस प्रोबेबिलिटी को या उस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को या प्रोबेबल चांस ऑफ ऑकरेंस को जो एक स्टडी करता है ऑन एन एवरेज, उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. तो इसमें क्या होता है कि जो इवेंट होता है उसके होने के ऑड्स कितने हैं, मतलब कितने होने के चांसेस हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस. अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, इट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल पी, स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है. और इट इज यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक इसका जो एक रेंज होता है. ठीक है, मतलब व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड इफ द आंसर कम्स एट 0, मतलब देर आर नो चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, मतलब ये होने की संभावनाएं बिल्कुल ही नहीं. और अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को और उसका जवाब आता है 1, इसका मतलब इसके इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस जो है वो 100% है, मतलब वो होके ही रहेगा. तो दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड देन नाउ वी विल सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा मैंने बताया था कि एक इवेंट होने के दो चांसेस होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा. तो इन दोनों का जो एडिशन है अगर वो 1 है, देन द फॉर्मूला विल बी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. अब ये पी मतलब द पॉसिबिलिटीज और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग, वो इवेंट होने के पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स अगर हम माने, तो उस इवेंट होने के हैपनिंग के चांसेस जो है दैट इज डिनोटेड बाय द पी. और उस इवेंट के नॉट हैपनिंग, ना होने के जो एक प्रोबेबिलिटी होता है, दैट इज डिनोटेड एज क्यू. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्मूला. अगर हमें दोनों में से एक भी पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द अदर. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, p plus q is equal to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1. जैसे कि हम बोलते हैं ना कभी कभी, अच्छा जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम दे के आया या घर में कोई हमारा बेटा या बेटी एग्जाम दे के आया, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा क्या लगता है कि क्या होगा, बोले कि 50% चांसेस है या 80% चांसेस है पास होने. सो 80% चांसेस है इवेंट हैपनिंग होने के, दैट मीन्स वी नो द पी. 80% दैट मीन्स 0.8. सो वी हैव टू कैलकुलेट क्यू, ना होने की, पास ना होने के चांसेस कितने हो गए, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू. सो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, एंड 1 माइनस पी यहाँ पे क्या हो गया 0.8. सो 1 माइनस 0.8 इज 0.2, मतलब ना होने के, पास ना होने के चांसेस या मतलब फेल होने के चांसेस जो है वो 20% पे आ गए. सो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी वर्क्स. एक प्रोबेबिलिटी में जब भी हमें क्या होता है, इवेंट ऑफ ऑकरिंग या इवेंट ऑफ नॉट ऑकरिंग, इवेंट ऑफ हैपनिंग और इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग, दोनों में से जब अगर हमको एक पता चल जाए तो दूसरा जो है वी कैन कैलकुलेट बाय द मीन्स ऑफ अदर्स. अब दूसरा भी एक फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू और द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं कितनी बार, n टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, n टाइम्स, या 10 बार कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 10. एंड इवेंट ए इज ऑब्जर्व्ड f टाइम्स, और इसको हम ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हो रहा है, हमने ट्रायल कितनी बार किया वो बात अलग है, लेकिन ये वो कितनी बार रहा है जो इवेंट में हम जो हैपनिंग है उसको जब हम देख रहे हैं, सो द इवेंट ऑफ ऑकरिंग जो है वो कितनी बार है, f times. So again the probability of the event A is calculated is equal to number of events occurring or number of events observed. So हमने कितनी बार देखा उसको, f बार देखा, so that is numerator divided by कितनी बार हमने experiment को trial किया, that is n times, so divided by f. So the probability of the event happening is equal to number of events occurring divided by the number of trials. तो ये हो गया रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी.
तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन. इसमें कुछ लॉज, जैसे एक है एडिशनल लॉ, एक है मल्टीप्लिकेशन लॉ, और एक होता है बाइनोमियल लॉ. हालांकि बाइनोमियल लॉ का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन लॉज में मेनली जो है हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ज्यादा करते हैं. सो व्हाट इज एडिशनल लॉ, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन लॉ. इसके अलावा भी अगर हम लॉज की बात करें या प्रोबेबिलिटी की बात करें, बहुत सारे थ्योरम्स है, बेयस थ्योरम है और भी थ्योरम्स वगैरह, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज एट द अंडर ग्रेजुएशन लेवल ओनली प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इतना ही उन्होंने इंक्लूड किया है. मतलब प्रोबेबिलिटी हमें जानने की जरूरत स्टैटिस्टिक्स में कितनी है उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे. तो कंटिन्यूइंग, व्हाट आर द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अगर हम आगे देखें कि कौन कौन से लॉज हैं, तो सबसे पहला लॉ जो है दैट इज एडिशनल लॉ. तो एडिशनल लॉ का मतलब क्या है कि अगर एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एक इवेंट में जब हम एक पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, मतलब एक इवेंट में एक पॉसिबिलिटी है तो, और तो एक पॉसिबिलिटी को अगर वहां पे प्रूव होता है तो ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी को हम वहां से एक्सक्लूड कर पाते हैं. तो जो हो रहा है और जो एक्सक्लूड कर रहे हैं, इस इवेंट्स में वन हैपनिंग एंड वन इज एक्सक्लूसिव, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एडिशनल लॉ. मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हैं, गेटिंग हेड्स एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग टेल. इवेंट क्या है, कॉइन टॉस करने का, ठीक है, मतलब इवेंट एक ही है, दो इवेंट्स नहीं है, एक ही इवेंट है, मतलब कॉइन टॉस करने हैं इज एन इवेंट हियर. तो व्हेन वी आर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर वन इवेंट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आइदर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल, आइदर हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा. तो दो पॉसिबिलिटीज है, इवेंट वन है. सो इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन, मतलब हेड्स आने की अगर पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज नेगेटिंग और दैट इज एक्सक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर, दैट इज जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जो टेल्स आने की है उसको वहां से वो एक्सक्लूड कर रहा है. दिस इज नोन एज एडिशनल लॉ. द सेम एक और एग्जाम्पल भी है, बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बर्थ ऑफ ए फीमेल चाइल्ड. अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यूजुअली जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो पार्ट है वो फॉलो करता है एडिशनल लॉ. अब अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज हैं, तो एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, तो पी वन प्लस पी टू हर एक को ऐड करते जाएंगे एंड इट अल्टीमेटली बिकम्स गिव्स अस वन. मतलब अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, जैसे पी एसेस ऑफ एनी कलर, तो अगर एसेस ऑफ एनी कलर मतलब कोई भी एक एस जो है, मतलब इक्का जो है, उसके चार कलर के होते हैं एक पर्टिकुलर कार्ड में, तो उसके प्रोबेबिलिटीज कितने हैं कि हर एक कलर के आने के, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जानते होंगे, तो हर एक में कितने, मतलब कलर चार कलर के होते हैं तो हर एक के पॉसिबिलिटीज कितने हैं, एक कलर का 1/52, टोटल कार्ड्स में एक कलर का इक्का आना कितने पॉसिबिलिटीज है, 1/52. इसी तरीके से दूसरे कलर का एक क्या आने का 1/52, तीसरे का 1/52, फोर्थ का 1/52. सो इस तरीके से टोटली 4/52, दैट इज 1/13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड आउट ऑफ 13, देर आर चांसेस और देर आर प्रोबेबिलिटीज दैट वी विल गेट वन कलर्ड एस. हम 13 कार्ड्स जब उसमें से निकालेंगे डेक से, तो उसमें से हर 13 कार्ड में एक कलर का इक्के आने का पॉसिबिलिटीज होते हैं. सो हाउ डू वी हैव कैलकुलेटेड, वी एडेड ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ऑकरेंस के जितने भी प्रोबेबिलिटीज थे हम सबको ऐड करते गए एंड वी गेट द आंसर दैट आउट ऑफ 13 इवेंट्स, जब हम 13 कार्ड्स निकालेंगे तो उसमें से देर में भी मोर देन दिस, बट एक प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. सो आउट ऑफ 13 देर आर प्रोबेबिलिटी वी कैन गेट वन पर्टिकुलर कलर्ड एस
this is the maximum possibilities, probability. This is only the calculation. Practical is different, but the probability we are calculating. Agar सिंपल तरीके से जब कार्ड की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक मूवी है तीन पत्ती करके, तारा अमिताभ बच्चन है, तो अगर हम उसमें देखेंगे तो ही इज अ स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन जो मेन उसका कैरेक्टर है. तो हाउ दे यूज टू डू और हाउ दे यूज टू गैम्बल, तो दे यूज टू डू और दे यूज टू कैलकुलेट द कैलकुलेशंस एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस दे यूज टू गैम्बल एंड देन दे यूज टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट. So how these calculations, that is based on this particular statistic. Next, दूसरा जो होता है that is known as multiplication law. तो इसमें क्या होता है, events there are more than one. वहां पे event क्या था, coin toss का single event था और possibilities दो थे, heads आएगा या tail आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, events दो है, मतलब दो या दो से ज्यादा events हैं और एक साथ perform हो रहे हैं. तो वहां पे लेकिन इंडिपेंडेंट है, मतलब एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इसको जब कैलकुलेट करना होता है वी यूज द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब इसको और अच्छे से आगे हम जानने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें कि इफ वी अज्यूम ट्विन प्रेगनेंसी विल ऑकर वंस इन 80 प्रेगनेंसीज and the child with the Rh negative blood group will born once in 10 births, then this is the formula. मतलब अब देखो यहाँ पे क्या, twin pregnancy हमने हम assume कर रहे हैं कि twin pregnancy 80 pregnancy में एक बार आता है. ठीक है, तो बाकी 79 में कितने possibilities हो गए. सबसे third वाला देखिए कि probability of a single birth की बात करें तो 1 in 80 pregnancies, twin pregnancies हो सकता है. तो एक तो twin pregnancy हो गया, बचे हुए 79 क्या होंगे, probability of a single birth. ठीक है, 79 होंगे, because एक जो है हमने assume किया है कि वो twin होगा, तो इसलिए single birth के probabilities हो गए 79 out of 80. दूसरा, child with Rh negative blood group यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, वो भी once in this हो रहा है. तो अगर हम child Rh पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, will be born once in 10 birth, 10 birth में एक Rh negative की बात हो रही है. तो यहाँ पे Rh पॉजिटिव की 10 में से अगर एक Rh negative आ रहा है, मतलब 9 जो है वो क्या आ रहे हैं, Rh पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, and if we assume twin pregnancy will occur once in 80 pregnancies and child with Rh positive negative blood group will be born once in 10 births. ठीक है, तो probability of male child कितना है, half, क्योंकि twin pregnancy में half probability हो सकता है कि male हो या female हो. ठीक है, तो अगर हमें probability of male child with Rh positive and of single birth हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ऑल दीज थ्री टुगेदर हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 9/10 इंटू 79/80 इज इक्वल टू 711, मतलब आउट ऑफ 1600. वी कैन गो फर्दर कैलकुलेटिंग दैट आउट ऑफ वन कितने पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर हम जनरली इसको टोटल कैलकुलेशन में, अगर एक वाइड कैलकुलेशन में अगर हम इसमें देखें, तो आउट ऑफ 1600 there are 711 possibilities, 711 possibilities. अगर 1600 birth अगर होते हैं तो उसमें से 711 जो है वो possible probably male with Rh positive and are single birth होने के chances हैं, और बाकी जो भी है वो सारे twin pregnancies with Rh negative and the other remote possibilities are possible. तो इस तरीके से एक multiplicatory law, यहाँ पे two events हो रहे हैं ना, अलग अलग events हो रहे हैं, एक Rh नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इवेंट हो रहा है और एक ट्विन प्रेगनेंसी का. सो ये दोनों इवेंट्स को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन कैलकुलेट हाउ दिस इज व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन लॉ. ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द एडिशनल लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ. तीसरा जो है वो एक्चुअली बाइनोमियल लॉ है, हालांकि वी आर नॉट मच यूजिंग दैट बाइनोमियल लॉ. तो बाइनोमियल में क्या होता है,
कि बाय मतलब दो, सो टू इवेंट्स ऑफरिंग साइमल्टेनियसली एट द टाइम, ठीक है, एंड हियर इन द मल्टीप्लीकेशन लॉ बोथ आर इंटरसेक्टिंग, बट देयर दोस आर कम्प्लीटली इंडिविजुअल, इसीलिए उसको बोलते हैं बाइनोमियल लॉ. तो वो एक बहुत ही वाइड टॉपिक हो जाता है. सो लिविंग दैट वील कम टू द कंक्लूजन ऑफ टू दिस सेशन. सो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट में देखें तो ओवरऑल कंक्लूडिंग दैट व्हाट इज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड प्रोबेबिलिटी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दोनों यहाँ पे हमने देख चुके हैं. दोनों ही बहुत एसेंशियल है कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए, बिकॉज जो आगे हम जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है जो हम देखने जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तो उस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को जानने के लिए या सिग्निफिकेंस टेस्ट को करने के लिए हमें ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होंगी, क्योंकि जब ये दोनों चीजें हमें वैल्यूज इन दोनों के मिलेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट विच इज मोर सिग्निफिकेंट एंड विच इज मोर एक्यूरेट. सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Swash Shetty sir and Brijesh Kumar, and especially this textbook of statistics in medicine by K. Shyamalan. So all these are very nice books, and I am very much thankful to Swash Shetty sir and Brijesh Kumar sir for this helping in this presentation. So once again, thank you. Today, again, it's my privilege to propose a vote of thanks to our expert speaker, Dr. Prashant Mutt, sir. Thank you so much, sir, आज के इस लेक्चर के लिए. मतलब ये रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर आप निरंतर ही सेशंस ले रहे हैं, हमें पता है कि इतनी जल्दी जल्दी सेशन लेकर आना कितना टफ होता है एक तरह से, लेकिन फिर भी सर आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन इस तरह कर रहे हैं. थैंक यू सो मच हृदय की गहराइयों से वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से आज के इस व्याख्यान के लिए. पुनः हमसे जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. साथ ही ये लेक्चर डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी सर को सादर प्रणाम करते हुए, उन्हें धन्यवाद किए बिना यह सेशन सक्सेसफुल सेशन नहीं हो सकता. जी हाँ, ये ज्ञान की नदी जो आप दर्शकों तक पहुंच रही है, इनका स्रोत हमारे प्रशांत सर के गुरु डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी सर हैं, तो उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्रिया करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ. थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर दिस सेशन. चलिए, तो आज के इस सत्र के बारे में तो मैंने बात आपको बता दी. अब कल का एक सत्र ना हमारे वैद्य मित्र परिवार के लिए अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि कल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय वैद्य यशवंत ठाकुर जी भोपाल से. सर की एज 88 इयर्स की है. जी हाँ, और इस एज में भी उनका जो आयुर्वेद के प्रति समर्पण है, आयुर्वेद को नई बुलंदियों पर ले जाने की उनके अंदर जो जज्बा है, यह जज्बा तो आपको कल ही देखने को मिलेगा. और वह कल बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आ रहे हैं, संग्रहणी, जिसे हम मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं IBS इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम से. तो कल का सेशन अटेंड करना ना भूलिएगा. चलिए, आज के इस सेशन के लिए मैं पुनः हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक वाओ एसोसिएशन एंड अर्पण आयुर्वेद को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उनकी प्रयासों से यह कार्यक्रम निरंतर सफलता के कदम चूम रहा है. थैंक यू सो मच. साथ ही हमारे आदरणीय गुरुजनों को नमन करती हूँ कि उनकी उनकी कल्पना से ही यह कार्यक्रम अस्तित्व में आ पाया है, और आपकी वजह से, आप गुरुजनों की वजह से कितने ही लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और आगे चल के वो अपने स्टूडेंट्स को तो आपने ये जो नदी, एक ज्ञान की जो नदी शुरू कर दी है, ये कितने ही लोगों को लाभान्वित करने वाली है. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच हमारे सभी गुरुजनों को. तो चलिए, भगवान धन्वंतरि की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने में अपने लोगों का ख्याल रखें, और इस कोरोना काल में कोरोना से बचे रहें. सभी आज के लिए इतना ही, कल मैं पुनः आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट.